हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक कवर किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर ऑफ अ आई, अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें हमेशा मिलता ही है, ठीक है। तो आज हम ट्राई करेंगे इसको समझने के लिए। मैं भी ट्राई करूँगा कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लूँ। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अभी कोई भी यहाँ पे पहले हम इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका जो भी फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ ए प्लस बी आई के फॉर्म में। ओके, तो इसका मुझे आर्ग्यूमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो कौन से क्वार्टर्ड में है। फर्स्ट क्वार्टर्ड में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, या फिर फोर्थ क्वार्टर्ड में है। अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वार्टर्ड में है तो मेरा एम्पलीट्यूड मतलब थीटा, यहाँ पे थीटा का मतलब है हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब थीटा मेरा फर्स्ट क्वार्टर में है तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू अल्फा का जो भी वैल्यू रहेगा वो मेरा थीटा होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वार्टर में है तो मेरा थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। ओके, अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वार्टर में है तो मेरा थीटा क्या होगा, पाई प्लस अल्फा। अगर मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वार्टर में है तो मेरा थीटा क्या होगा, टू पाई माइनस अल्फा और माइनस अल्फा। ओके, अभी वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, टेन इनवर्स मोड ऑफ बी बाय ए। ओके, तो अभी हमने देखा व्हाट इज बी, व्हाट इज ए। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है रियल टर्म जो भी है वो ए रहेगा और जो इमेजिनरी टर्म है उसका कोएफिशिएंट वो मेरा बी रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे हम पहले अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फ़ा मिल गया तो हम चेक करेंगे कि वो कौन से क्वार्टर में लाया करता है और फिर हम उसका आर्ग्यूमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स मतलब हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इसको और ट्राई करते हैं इसमें एग्जाम्पल्स मैक्सिमम ले या फिर ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है फाइंड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और दिया हुआ है जेड इज इक्वल्स टू वन प्लस अंडर रूट थ्री आई। ओके, तो देखो अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज इक्वल्स टू वन प्लस अंडर रूट थ्री आई, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ए इज इक्वल्स टू मेरा वन है, बी इज इक्वल्स टू मेरा रूट थ्री है। तो सबसे पहले हम अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स मोड बी बाय ए। तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स बी क्या है हमारा, मोड अंडर रूट थ्री अपॉन वन। अभी देखो ये टेन इनवर्स रूट थ्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टेबल है उसमें हम जाएंगे और देखेंगे। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना, टेन इनवर्स मोड थ्री रूट थ्री का वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है। तो इसे देखते कैसे है, तो जब आप टेबल में जाओगे तो आप कैसे देखोगे, मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो टेबल दिया हुआ है, हम कैसे देखेंगे, रूट थ्री दिख रहा है। ओके, तो हम देखेंगे टेन के कौन से एंगल में हम लोग को रूट थ्री दिख रहा है। तो कौन से एंगल में रूट थ्री दिख रहा है, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री। ओके, तो अभी हमने देखा कैसे देखना है, टेन के टेन का कौन सा वैल्यू रूट थ्री दे रहा है, कौन से एंगल में हम लोग को रूट थ्री मिल रहा है। ओके, टेन इनवर्स का मतलब होता है टेन के कौन से एंगल का वैल्यू रूट थ्री होता है। तो हमने देखा कि 60 डिग्री और पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री ये रेडियन है। ओके, तो हम हमेशा रेडियन में लिखेंगे। अभी आप ये डिग्री देख रहे हो फिर आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक था
तो उसमें हमने कवर किया हुआ हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, तो आप वो वीडियो फॉलो कीजिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 60 डिग्री मतलब पाई बाई थ्री रेडियन, ओके। तो हमें अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, पाई बाई थ्री, ओके। तो अभी जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में आता है, सेकेंड में आता है, थर्ड में आता है या फिर फोर्थ में आता है, ओके। तो वो मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क करता हूँ, उसमें समझाता हूँ, मैं क्वेश्चन में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ओके। अपना गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड इज इक्वल्स टू वन प्लस अंडर रूट थ्री आई। देखो एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट रहता है और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट रहता है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ओके। तो अभी हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डायग्राम ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं, यहाँ पे मेरा एक्स का वैल्यू क्या है, व्हाट इज मेरा एक्स का वैल्यू, एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड वाई इज इक्वल्स टू रूट थ्री, ओके। तो अभी देखो एक्स पॉजिटिव वन है तो मेरा ये यहाँ पर कहीं पर तो ये वैल्यू होने वाला है, यस। और ये वाई मेरा पॉजिटिव रूट थ्री है तो हम समझते हैं वो मेरा वैल्यू यहाँ पर कहीं होने वाला है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। तो अब ये मेरा गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो अभी हमने जब ये स्टेबल बनाया तो यहाँ पे क्या देखा था, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो मेरा थीटा मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, इज इक्वल्स टू अल्फा होगा, ओके। तो देयरफोर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फर्स्ट जेड इज इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इज इक्वल्स टू अल्फा, इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, पाई बाय थ्री रेडियन, ओके। ये क्यों आएगा, यहाँ पे हम रीजन दे देंगे, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो आप ये रीजन दे दोगे और आर्ग्यूमेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाय रूट थ्री और 60 डिग्री, ओके। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने के लिए ट्राई करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी देखो हमने एग्जांपल ले लिया, जेड इज इक्वल्स टू वन माइनस रूट थ्री आई। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ए इज इक्वल्स टू वॉट वन, बी इज इक्वल्स टू वॉट माइनस रूट थ्री, देयरफोर अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स मोड बी बाय ए। तो हमें क्या मिल गया, टेन इनवर्स बी के जगह पे हम माइनस रूट थ्री लिख देंगे बाय वन। मतलब देखो ये मोड का मतलब क्या होता है, अगर मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ओके। इसलिए ये मोड दिया जाता है। तो हमें क्या मिल गया, टेन इनवर्स रूट थ्री। तो अभी हमने एग्जांपल देखा, वहाँ पे हमने टेन इनवर्स रूट थ्री का वैल्यू क्या मिला था हमें, पाई बाय थ्री रेडियन और 60 डिग्री, ओके। तो अभी हमें अल्फा मिल गया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम रफ में इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, अगर दिखा देंगे तो वेरी गुड। देखो अभी यहाँ पर ये मेरा एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू वन, वाई इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, ओके। एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है, वाई का वैल्यू क्या है मेरा, नेगेटिव है, नेगेटिव मेरा यहाँ पर होगा, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वार्टर, ओके। तो हमें पता चल गया जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ पे है, लाई करता है वो फोर्थ क्वार्टर में है। तो फोर्थ क्वार्टर में जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ थीटा क्या होगा हमारा, 2 पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं और माइनस अल्फा लिख सकते हैं, ओके। देयरफोर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस अल्फा, ओके।
टू पाई अल्फा क्या मिला है हमें यहाँ पे, देखो हम लोग ने पाई बाय थ्री फाइंड आउट किया, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिक्स पाई माइनस पाई बाय थ्री, मतलब हमें क्या मिल गया, फाइव पाई बाय थ्री। ओके, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड्स आर्ग्यूमेंट्स हुआ, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ जेड गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट्स हमें क्या मिल गया, फाइव पाई बाय थ्री रेडियन। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई। ओके, या फिर हम चलो एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, जेड इज इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस आई। ओके, देखो अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस आई दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए हमारे पास दिया हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू वन, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन इनवर्स मोड बी बाय ए। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स मोड वन ए है अंडर रूट थ्री, मतलब टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री। अभी देखो हम टेबल में जाएंगे, टेन के टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि कौन से एंगल का वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री आता है, तो हमें पता है टेन के कौन से एंगल का वैल्यू रूट थ्री आता है, पाई बाय सिक्स, मतलब 30 डिग्री। ओके, टेन के कौन से एंगल का वैल्यू आ रहा है वन अपॉन रूट थ्री, पाई बाय सिक्स का, तो पाई बाय सिक्स और 30 डिग्री। ओके, तो ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, अल्फा मिल गया, लेकिन अभी हमारे पास हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो हमें चेक करना है, तो यहाँ पे देखो जेड इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री प्लस आई दिया हुआ है, मतलब मेरा एक्स क्या है, माइनस रूट थ्री है, और वाई क्या है, मेरा वन है। ओके, तो वाई एक्स क्या है, माइनस है, एम आई एक्स माइनस है तो कहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा कहीं पर, और वाई मेरा प्लस है मतलब यहाँ पर आएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो अभी जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो हमारा थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पे हमारा जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो पाई अल्फा क्या मिला है हमें, पाई बाय सिक्स, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सिक्स पाई माइनस पाई बाय सिक्स इज इक्वल्स टू फाइव पाई बाय सिक्स रेडियन। ठीक है, तो जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री प्लस आई था, तो हमें उसका आर्ग्यूमेंट्स कैसे मिल, क्या मिल गया, फाइव पाई बाय सिक्स। ओके, तो ये हमने देखा आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें दो स्टेप है, तो पहला स्टेप है कि हमें पहले अल्फा फाइंड आउट करना है, अल्फा का फॉर्मूला है टेन इनवर्स बी बाय ए। ओके, अल्फा आपको मिल गया, तो अभी सेकेंड क्या चेक करना है आपको, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो आप चेक करोगे। ओके, तो हम उसको रफ वर्क दिखा सकते हैं या फिर हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ओके अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन में दिखा सकते हैं उसको, तो सबसे पहले हमने उसको चेक करेंगे कि वो कौन से कॉम्प्लेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया भाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम जाएंगे देखेंगे कि भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या होता है और वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, या फिर एज पर जो भी है जिस क्वाड्रेंट में रहेगा वो हम वो रूल अप्लाई कर देंगे। ओके, तो आपको समझ में आया होगा एम्पलीट्यूड्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कैसे फाइंड आउट करना है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कैसे फाइंड आउट किया। ओके, तो
देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे बार बार एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स बोल रहा हूँ, दोनों सेम है, या फिर थीटा का वैल्यू, ये सब सेम है। ओके, आपको बोला हुआ फाइंड द थीटा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आपको बोला आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आपको बोला एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तीनों तीनों चीज़ें एक ही है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी ये पोलर फॉर्म क्या होता है? अभी देखो, जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ अ पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले हमने जो जेड देखा था, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई, इसे हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ओके, या फिर आप रेगुलर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो इसे। और ये जो हम देख रहे हैं, ये है पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये सेकेंड टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकेंड टाइप था। नेक्स्ट देखेंगे आगे हम थर्ड टाइप क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो फिलहाल हम क्या देखने जा रहे हैं? पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल इक्वेशन है। तो अभी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है और बोला है कि नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है और बोला है कि पोलार फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करिए, तो हम उसको पोलार फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें आर दिख रहा है, यहाँ पे हमें थीटा दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहले हमें आर फाइंड आउट करना है। आर मतलब क्या होता है? रेडियन, रेडियस। कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे हमने मोड ऑफ अ जेड फाइंड आउट किया था, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो हमें ये फॉर्मूला क्या दे देगा? आर दे देगा, रेडियस दे देगा। अभी सेकंड क्या फाइंड आउट करने का है? थीटा। थीटा मतलब जो हम लोग ने आर्ग्यूमेंट्स फाइंड आउट किया हुआ है, जस्ट वही मतलब हमारा थीटा वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे थीटा भी फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, और दोनों हम ये जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, बोला है कि आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको कैसे करना है? तो ये दो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, दोनों चीज़ मिल जाएगी, हम ये जनरल इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आपको बोला है कि आप उसका पोलर फॉर्म फाइंड आउट करिए, तो हम उस पर बेस्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, वन माइनस आई दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसे नॉर्मल रेगुलर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसे हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें आर फाइंड आउट करना है। आर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर का फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है, हमें पता है ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू वन। ओके, और हमारा बी क्या है? बी यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या हुआ हमारा? माइनस वन। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए मतलब वन का स्क्वायर, बी मतलब माइनस वन का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा? वन प्लस वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू। ओके, तो ये हमें आर मिल गया। नेक्स्ट, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। फाइंड आउट थीटा, तो थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट्स जो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक देखा अभी, तो अभी हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू क्या फाइंड, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी बाय ए। तो टेन इनवर्स बी, व्हाट इज बी? माइनस वन। व्हाट इज ए? वन। मतलब क्या मिल गया? टेन इनवर्स मोड ऑफ वन, वन अपॉन वन, वन होता है, माइनस वन का साइन मोड में है इसलिए हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अभी हम ट्रिग्नो के टेबल में जाएंगे और देखेंगे टेन इनवर्स के कौन से एंगल का वैल्यू वन आता है। टेन इनवर्स के कौन से एंगल का वैल्यू वन आ रहा है? पाई बाई फोर, 45 डिग्री। ओके, टेन के कौन से एंगल का वैल्यू वन आ रहा है? पाई बाई फोर के एंगल का वैल्यू
वन आ रहा है ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स वन का मतलब पाई बाई फोर रेडियन और 45 डिग्री ओके। तो अभी हमें अल्फा मिल गया, अभी लेकिन अल्फा तो मिल गया लेकिन अभी हमने चेक करना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर मैंने आपको पहले बोला था कि आप उसको बीच में भी दिखा सकते, तो बीच में कैसे दिखा सकते हैं तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंसीडर एक्स इज इक्वल्स टू क्या है वन और वाई इज इक्वल्स टू क्या है हमारा माइनस वन। अगर हमने इसका ग्राफ बनाया ठीक है, तो मेरा एक्स कहाँ पर है पॉजिटिव साइड है, वाई कहाँ पर है मेरा नेगेटिव साइड है, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करता है फोर्थ क्वार्टर में ओके। तो हम बता देंगे द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वार्टर ओके। तो फोर्थ क्वार्टर में है तो हमारा अल्फा का वैल्यू थीटा क्या हो जाता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 2π - α, मतलब 2π - α कितना मिला है यहाँ पे पाई बाय 4, मतलब 8π - π/4 मतलब 7π/4 रेडियन। तो ये हमें क्या मिल गया थीटा मिल गया, हमें आर कितना मिला था, आर क्या मिला था √2, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया थीटा फाइंड आउट किया, थीटा क्या मिल गया पाई बाई 7π/4 ओके। देयरफॉर पोलार फॉर्म ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अभी हम आर के जगह पे आर का वैल्यू √2 लिख देंगे और थीटा के जगह पर थीटा का वैल्यू क्या मिला हुआ है हमें 7π/4 आई 7π/4 ओके। तो ये हुआ हमारा पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो आप उसे पोलार फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ओके। तो ये हमने एग्जांपल देख लिया ओके। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोस्तों ये पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप भले वो किसी भी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में देखें या फिर CBSE NCERT के सिलेबस में देखेंगे तो ये पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग को इसमें से एक क्वेश्चन मिलता ही है ठीक है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड इज इक्वल्स टू -1 - √3i ठीक है। अभी ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा यस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है, फर्स्ट स्टेप व्हाट इज आर, आर इज इक्वल्स टू √a² + b² तो यहाँ पे हमें पता है वेयर ए इज इक्वल्स टू व्हाट -1, बी इज इक्वल्स टू व्हाट √-√3 ओके। तो अभी हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू -1² + √3² तो हमें मिल जाएगा 1+3 मतलब √4 का मतलब होता है 2। तो यार हमें मिल गया व्हाट इज आर 2। अभी सेकेंड स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना है थीटा, व्हाट इज थीटा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे, अल्फा क्या होता है टेन इनवर्स मोड बी बाय ए। तो हमने देखा व्हाट इज ए व्हाट इज बी, टेन इनवर्स बी है -√3 और ए है -1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया टेन इनवर्स √3। तो हमने देखो पहले भी देखा हुआ √3 टेन इनवर्स
रूट थ्री का मतलब क्या होता है, टेन के कौन से एंगल का वैल्यू रूट थ्री होता है, तो हमने देखा था पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री। ओके तो हमें अल्फ़ा मिल गया, लेकिन अल्फ़ा मिलने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वार्टर में आता है, फर्स्ट क्वार्टर में है, सेकंड क्वार्टर में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये मेरा एक्स क्या हुआ -1, वाई क्या हुआ -√3। तो उसको हम चेक करते हैं कौन से क्वार्टर में आ रहा है, तो -1 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे है एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू भी माइनस है तो यहाँ पे आएगा, तो दोनों कौन से क्वार्टर में आ रहे हैं, थर्ड क्वार्टर में आ रहे हैं। ओके तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ पे लाई करता है, थर्ड क्वार्टर में। तो यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वार्टर। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में लाई करता है, देयरफॉर थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अगर थर्ड क्वार्टर में है तो पाई प्लस अल्फा। ओके तो अभी हमने देखा अल्फा कितना मिला है हम लोग को, पाई बाय थ्री, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 3π + π/3, तो हमें क्या मिल गया, 4π/3। तो हमारा थीटा क्या हो गया, 4π/3। ओके तो हमें r मिल गया, थीटा मिल गया, देयरफॉर पोलार फॉर्म कैसे लिखेंगे, पोलार फॉर्म ऑफ z लिख देते हैं, क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हम r के जगह पे r का वैल्यू हमें क्या मिला था, 2, और थीटा का वैल्यू क्या मिला है हमें, 4π/3। तो यहाँ पे हमने r का वैल्यू लिख दिया और थीटा का वैल्यू लिख दिया, तो ये हमारा पोलार फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलार फॉर्म है दिस। ठीक है, तो आप और क्वेश्चन लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को फॉलो कीजिए और ट्राई कीजिए और आंसर को ज़रूर चेक करिए। अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे जो आगे के वीडियोज़ है वो उसका अलर्ट आपको मिलते रहेगा। अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, और आपको कुछ भी इशू है आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप मैथ्स का कोई भी टॉपिक है आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।